अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम हंटर। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। हाउ टू इंक्रीज योर लेवल आर रैंकिंग इन येलो लूडो। तो आपका लेवल जो चल रहा होता है वो, या आप प्रोफाइल पे क्लिक करें तो ये पॉइंट्स आपके सामने आ जाते हैं। अभी मैं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवॉर्ड रिसीव किया है इसका, 40,000 मुझे चिप्स में लाया और 20 डायमंड थे और साथ में पत्नी डाइस था या ऐसा था कुछ, वो याद नहीं है। तो 13,210 पे ये मैं 26वें में हो गया हूँ लेवल में। अभी 16,210, मतलब 3,000 चाहिए मुझे 27वें में जाने के लिए, फिर 28वें में ज़ाहिर है 4,000 हो जाएगा उसके बाद। तो ये जो 3,000 है पॉइंट, ये आपने कैसे इंक्रीज़ करना है? अगर आप सिर्फ अपना लेवल इंक्रीज़ करना चाहते हो, अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो 27, 28, 29, 30, मतलब जिसमें भी आप जाना चाहते हो, उसके लिए ये है कि आप छोटी से छोटी गेम लगाओ। मतलब अगर आप उसमें लूडो में खेलना चाहते हो तो आप क्लासिक रख लो 500 वाली, जल्दी जल्दी ख़त्म करते जाओ और विन करो लूज़ करो, विन करो लूज़ करो। तो सिंगल वाली लगाओ आप, जितनी ज़्यादा गेमें लगाओगे जितनी ज़्यादा विन करोगे, विन करने पे मिलते हैं 5 पॉइंट, और अगर आप बड़ी गेम लगाते हो तो वो लूज़ करने पे आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। मतलब हर 5 पॉइंट के बदले आप एक गेम समझ लो। तो उसके बाद आ जाता है जनाब रैंकिंग। रैंकिंग ये रही आपकी लीग। लीग में अभी मैं 31 पे हूँ। हाँ, किसका प्रोफाइल ओपन हो गया? ये रहा जनाब, 230.7 के विन कर चुका हूँ और बाकी हम सभी ये ज़ाहिर है 30, 29, 28 इस पे मुझे चाहिए जाना है। अगर मुझे 30वें नंबर पे जाना है तो उसके लिए मुझे चाहिए 261.3 के, मतलब मैं 32,000 की एक गेम विन करूं तो मैं 30वें नंबर पे जा सकता हूं। अगर मैं 50,000 की विन करता हूं तब मैं जा सकता हूं इसमें 28वें नंबर पे। तो ये आपने ऐसे कैसे इंक्रीज़ करनी, इसके लिए आप बेहतर है खेल टीम में खेलें। टीम में खेलना इसके लिए सबसे बेस्ट है और टीम में जीत के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं अगर आपका टीममेट सही है खिलाड़ी। तो अभी मेरा टीममेट जो था वो लेफ्ट कर गया, अगर ना अभी एक गेम लगा के तो आपको मैं वीडियो बना के दिखा देता कि टीम में कैसे गेम करते हैं आप। बस आपका टीममेट, आपका दोस्त, जो भी आप कह लें, आपकी बात मानने वाला हो तो गेम बहुत अच्छी रह जाती है। बाकी हार जीत तो जाहिर है दो बंदे खेल रहे हैं, एक ने हारना ही है, लेकिन एक हार जाना अलग बात है, मुकाबला करके हारना एक बात है। फिर उसके लिए वही ऑप्शन के आपके पास कॉइन्स हों और ज़्यादा गेम लगाएं, बड़ी गेम लगाएं, तो आपकी ये लीग में रैंकिंग बढ़ेगी। और अगर आप टीम में नहीं खेलना चाहते तो उसके लिए फिर बेहतर है डोमिनो, और डोमिनो में फिर सबसे बेस्ट है आल5। आल5 बहुत इजी है। अभी मैं एक 500 वाली लगा के दिखा देता हूँ, नहीं फिर वो बात नहीं कर पाऊँगा, ताकि वो बताना पड़ेगा साथ साथ। आल5 में ये होता है कि मैं पहले भी टिप दे चुका हूँ एक पीछे वाली वीडियो में, पहले जो मैं बना चुका हूँ,
उसमें ये होता है कि जब आप डाइस फेंकते हो ना, तो उस पे किसी भी एक पे आप नंबर पे क्लिक करते हो, तो सामने टेबल पे आपके नंबर इशू हो रहे होते हैं कि अगर आप ये डाइस फेंकोगे, मतलब 6 और 3 है, अगर आप ये डाइस फेंक रहे हो तो टेबल आपको टोटल करके बता रहा होता है कि टेबल पे टोटल इतने नंबर जमा हो रहे हैं। और अगर आप वो डाइस फेंक रहे हो और उसके साथ टेबल पे प्लस का साइन आ रहा है, तो आप वो डाइस फेंक दें। और अगर प्लस का साइन नहीं आ रहा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि टेबल पे कम से कम नंबर जाएं। जितने कम नंबर होंगे, वो आपका ओपोनेंट जो है वो, अगर वो 5, 10, 15, 20, 25, 30 की कंडीशन में वो नंबर जमा कर रहा है, तो उसकी कम नंबर बनेंगे, 5 बनेंगे या 10 बनेंगे। लेकिन अगर आपने, फ़र्ज़ करें आपने 16 नंबर टेबल पे जमा कर दिए हैं, तो अभी तो उसे 20 नंबर जमा करने में सिर्फ 4 चाहिए ना, मतलब उसके 20 ऐसे जमा हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जब आपके जितने भी प्लस हो रहे हों, आप उतने कर लें, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, आप वो प्लस करें। और अगर आप प्लस नहीं हो रहे और आप के नंबर बस टेबल पे जमा हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके नंबर कम से कम हो, तो इससे आपके जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने ये बहुत हार हार के सीखा है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।